हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये एडेनियम मैंने सीड से ग्रो किए हुए हैं, इसे 3 महीने के हो गए हैं। ये देखिए, ये कुछ तो मेरे अभी ऊपर पड़े हुए हैं, 8-10 ऊपर रखे हैं। कुछ मैं ये ले आई थी, छोटे छोटे पॉट में है, वो मैंने ऊपर ही छोड़ दिए हैं। और इसकी मिट्टी देखिए, ये इसमें मैंने ईंट का चूरा वगैरह मिलाया है। तो ये कई एक एडेनियम तैयार किए हैं। ये मेरे सनफ्लावर के सीड मैं सुखा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि छत पे तो अभी बारिश का सीज़न है, कभी भी आ सकती है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, खुल जा सिम सिम। तो ये प्लेट से मैंने ढका रखा था। ये देखिए, ये ग्राफ्टेड किया हुआ है, ये ग्राफ्टिंग की हुई है। तो ये मेरे सीड से ग्रो किए हुए, इनमें मैंने ग्राफ्टिंग कर दी है। तो और ये सीड से ग्रो किए हुए सेकेंड स्लॉट, ये है मेरा फर्स्ट स्लॉट के वो थे, सेकंड के ये हैं। और ये सारे जर्मिनेशन हो रही है, ये इनमें काफ़ी हद तक 4 दिन में ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई, आप बिलीव नहीं करेंगे। और जो कुछ खुल गए हैं, हट गए हैं, जैसे ये उस पर मैं ये कवर कर दे रही हूँ। और ये कोकोपिट मिक्स है, तो उसमें मैंने ग्रो किए हैं। तो कोकोपिट का जो जाला होता नहीं है, चूरा जैसा, सॉरी वो जिंजर जैसा होता है, वो चीज़ इसमें रह गई है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिख रहे हैं वो। और ये देखिए, इस तरह से ये है मेरे सीड, मैंने फंगीसाइड डाल के रखे हुए हैं। तो थोड़े ही ग्रो करूँगी, जिससे कि करीब 3 महीने तक मुझे रिपोर्टिंग ना करनी पड़े। मेरे पास पॉट नहीं है, तो मैं थोड़े से ही ग्रो करूँगी, जितने इस पॉट में 3-4 महीने तक लगे रह सकें। और ये सब मैं ग्राफ्टिंग के काम में लूँगी। मेरे पास प्लांट हो जाएंगे तो मैं ग्राफ्टिंग करती रहूँगी। दो तीन तो मैंने ग्राफ्ट कर दिए हैं। और इस तरह से हम सीड लगाएंगे, ये ऐसे करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखेंगे, जिससे कि अगर ये 3-4 महीने तक रिपोर्टिंग ना हो तो भी ये चल जाए आराम से। और बारिश का सीज़न है, सिंपल सी बात है, तो थोड़ा सा सेडी एरिया में रखेंगे, जहाँ इस पर पानी ना पड़े। तो ये मैं बालकनी में उतार के ले आई हूँ। जब मैंने फरवरी में ग्रो किए थे, तब मैंने ऊपर ही डाल दिए थे, ऊपर ही रहने दिए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और थोड़ा सा छाया वाली जगह में रख दिए थे, वैसे क्योंकि मार्च से ही गर्मी पड़ने लगी थी, तो इसलिए ऊपर ही पड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं हुई। और इसीलिए मैंने कोकोपिट में ग्रो किए थे, मगर इसमें मेरी मिक्स है, कोकोपिट भी थोड़ी सी है और थोड़ा सा क्या कहते हैं, मिट्टी और सैंड मिक्स है, तो उसमें मैं इन्हें ग्रो कर रही हूँ, जिससे कि मॉइस्चर भी रहे, नमी रहे, मगर ज़्यादा नमी ना रहे। पानी तो अब बहुत कम दूंगी, लिमिटेड दूंगी, और दूंगी भी तो फंगीसाइड वाला ही दूंगी। तो उसमें भी मैं अब सेकेंड टाइम पानी डाला है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये थोड़ा सा डिस्टेंट के साथ में हम इस तरह से लगाते जाएंगे सभी, और ज़्यादा घने नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत घने हो जाएंगे तो भी प्लांट को ग्रो होने में दिक्कत हो जाएगी। और जब आप इसे ग्रो, जब ये सीड लगाएं ना, तो इसकी मिट्टी लेवल कर लें, बिल्कुल बराबर कर लें। इसमें क्या हुआ है ना, कि जहाँ कोकोपिट का क्वायर जो है, क्वायर जो जिसे कहते हैं ना, वो उसमें ऊपर नीचे हो गया है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। इसमें मैंने लेवल बना रखा है बिल्कुल, और इसमें कोकोपिट भी थोड़ी सी बारीक वाली ही मिक्स की है। तो इस तरह से, और ज़्यादा मैं देख रहे हैं, अब ज़्यादा मैं दबा नहीं रही हूँ अंदर को, क्योंकि दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि दबाएंगे तो ये अंदर ही अंदर गल जाएंगे और मर जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा दबा नहीं रही हूँ मैं इसमें, इस तरह से मैं लगा दे रही हूँ। ये बस इतना ही लगाऊंगी, देखिए पूरा भर भी गया है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, जितने निकाले हैं उतने ही मैं लगाऊंगी, एक्स्ट्रा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि फिर इन्हें रिपोर्टिंग की समस्या हो जाएगी। और इस तरह से मैं हल्का सा प्रेस कर रही हूँ, ज़्यादा दबा नहीं रही हूँ। और इस पर अब हम डालेंगे ये वाली सैंड है, ये सैंडी सॉइल जो होती है ना, वो है जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है, जब हम मकान बनवाते हैं तो नीचे जो डालते नहीं है, वो है ये, मकान बनवाते टाइम फर्श में नीचे डलवाते हैं, वो चीज़ है। तो ये चीज़, ये मिट्टी मैं इसमें डाल रही हूँ, इसमें इस तरह से, है ना, इस तरह से सारा कवर कर दूँगी। और बहुत लाइट वेट है, सैंड है, तो इसमें से आराम से जर्मिनेट हो जाएंगे। भारी मिट्टी, लोमी मिट्टी मत डालिएगा, बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी, चिपचिप मिट्टी में मत उगाइएगा, थोड़ी सैंडी सॉइल ही रखिएगा। और इस तरह से हम पानी डालें, स्प्रेयर से वैसे पानी डालना चाहिए, सॉफ्ट वाले स्प्रेयर, मेरा वो थर्ड फ्लोर पे है, मैं ऊपर छत पे नहीं चढ़ पाऊँगी बार बार, इसलिए हाथ से ही डाल रही हूँ। और जो भी सीड निकल रहे हैं उन पर मैं फिर से कवर कर दूँगी अच्छे से, इस तरह से ही डालना है। देखिए सैंड है तो बहुत जल्दी सूखेगी भी, तो स्प्रे से ही पानी डालना सही रहेगा। मैं स्प्रेयर अब मैं उतार जाऊँगी तो ले आऊँगी नीचे, वैसे तो पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि बारिश हो रही है,
तो हल्का फुल्का पानी मिल ही जाएगा। वैसे यहाँ धूप भी अच्छी आती है और इसमें भी मैं इसी तरह से पानी डालती हूँ स्प्रेयर की हेल्प से। डालना चाहिए, वैसे मेरे पास है नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब इसे हम इस तरह से फिर से कवर कर देंगे, ईजिली ये निकल भी आएंगे आराम से इस तरह से, देख रहे हैं आप ये ऐसे। तो बस ये कवर हो गए और इस पर हल्का सा पानी और स्प्रे कर दूँगी। वैसे तो पानी काफ़ी हो गया है तो अब इसी तरह से इसमें भी जो जो खुले रह गए उनमें कवर कर दूँगी। और मैंने इस तरह से इसे ढक रखा था जिससे कि गर्माहट भी रहे, तेज़ धूप ना लगे और पानी भी ज़्यादा ना सूखे, क्योंकि ये धूप लगने से ये सूख भी जाएंगे। और ये पानी इसी तरह से ही डालेंगे हम ऐसे करके, ऐसे आप नहीं खुलेंगे, अगर खुल भी जाते हैं तो हल्के से इनके ऊपर रेत लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये तरीका है मेरा सीडलिंग करने का, बहुत सिंपल तरीके से सीडलिंग की है मैंने। लास्ट ईयर मैंने उगाए थे तो वो सीड दो बार उगाए थे, दोनों बार बिल्कुल नहीं उगे और दो तीन तरीके से नहीं उगाए थे, बिल्कुल नहीं उगे। मैं हताश हो गई, निराश हो गई थी कि मेरे से सीड नहीं उग पाएंगे, बहुत ज़्यादा कोई हाई टेक्निक होगी जो मुझे नहीं आती है। मगर जब मेरे अपने घर के हैं, फ्रेश सीड हैं, सारे जर्मिनेट हो रहे हैं, 100% मुझे लग रहा है जर्मिनेशन हो रहा है, सभी जर्मिनेट हो जा रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही। लास्ट वाले भी मेरे सारे जर्मिनेट हो गए, वो तो बंदर ने पूरा पॉट गिरा दिया था, पूरा उलट दिया था, तो दिक्कत हो गई थी, सारे ख़राब हो गए थे मेरे। और फिर भी दो तीन पॉट के मेरे निकल गए, निकाल लिए थे मैंने, रख लिए थे, तो वो काफ़ी हो गए हैं। वही मुझे ट्रांसप्लांटिंग में दिक्कत हो रही है, इतना ही बड़े पॉट में मैंने उगाए थे, पूरा भरा हुआ निकला था, मगर वो सब बेकार हो गए थे, बंदर ने गिरा के ख़राब कर दिए थे। मुझे एक खासे पानी लगा रही हूँ इसलिए दिक्कत हो रही है, वरना मैं हथेली पे अपने पानी लेती हूँ और उंगलियाँ खोल देती हूँ और फिर उससे पानी झड़के नीचे जाता तो हटते नहीं है सीड। उस तरह से मैं पानी डालती हूँ क्योंकि एक खासे मैं कैमरा पकड़ी हुई हूँ, मोबाइल पकड़ी हुई हूँ, तो दिक्कत हो रही है, वरना मैं ऐसे पानी नहीं डालती हूँ, मजबूरी है मेरी। अब मैं इसे ऐसे ढक दूँगी और इसे भी मैं इसी तरह से ढक दूँगी जिससे कि गर्माहट बनी रहे, तेज़ धूप भी ना लगे आसानी से। और ये सभी पानी मैं इनमें डाल दे रही हूँ, डेनियम में एक्स्ट्रा जो है जिनमें मैंने पानी जो भी मैंने ग्राफ्टिंग की है या जो मेरे आए हुए डेनियम है उनमें सभी मैं ये डाल दूँगी। तो ये फंजीसाइड का पानी आप हमेशा रखिए, अभी बरसात शुरू हो गई तो फंजीसाइड का पानी बहुत ज़रूरी है, चाहे गुलाब हो, चाहे एडेनियम हो, चाहे सकलेंट हो, कोई भी प्लांट हो, इस समय फंजीसाइड का पानी डालना ज़रूरी होता है। जैसे मिट्टी सूख रही है, दो दिन धूप नहीं लगी, मिट्टी सूखने लगी है, तो आप फंजीसाइड का ही पानी डालिए, इस तरह के एरिया में रखिए। देखिए मेरी बालकनी है, ऊपर छज्जा है, तो उसकी वजह से डायरेक्ट पानी इन पर नहीं पड़ेगा, हाँ थोड़ा सा पानी जब हवा से पानी बरसेगा तो इस पर पानी आएगा, अदरवाइज पानी नहीं आएगा। तो इस जगह पर मैंने यहाँ सारे लगा दिए हैं अपने एडेनियम, कुछ अभी ऊपर पड़े हैं तो वो भी धीरे धीरे करके ले आऊँगी, एक साथ ही ला पाती हूँ। इसका कोडेक्स देखिए, 3 महीने में भी इतना बड़ा हो गया है ना, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ 5 महीने हो गए, 5 महीने में काफ़ी बड़ा कोडेक्स हो गया है। फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।